वहां पर जो अल्पसंख्यक तबका है उसके प्रति संविधान में जो प्रतिबद्धता है उसको भी स्थापित करता है। इस मायने में ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। पहला प्रस्ताव ममता बनर्जी की तरफ से गया, टीएमसी की तरफ से गया कि कांग्रेस पार्टी 300 सीटों पर चुनाव लड़े, कि जो विभिन्न स्टेट्स हैं वहां पर जो बड़ी पार्टी होगी वो तय करेगी संख्या। इसीलिए ममता बनर्जी ने ये ऐलान कर दिया कि बंगाल में इंडिया अलायंस नहीं है, 30% से ज्यादा बंगाल में अल्पसंख्यक तबका है और उसका झुकाव पिछले चुनाव में उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ दिखा था। बहुत सारे पत्रकार और बंगाल के जानकार ये कहते हैं कि 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत है और उसका पलटवार भी हुआ है, वो दिखाता है कि ममता बनर्जी को चारों तरफ से घेरने की कोशिश भी हो रही है। अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के बचाव में, बहू के बचाव में ममता बनर्जी कोई समझौता कर रही है पीठ पीछे। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर बीजेपी को शिकस्त मिलनी है, जिसमें से अभी अधिकांश सीटें बीजेपी के पास थी, वो भी इस राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए फंसेंगी। दोस्तों नमस्कार, देश नीति के इस विशेष कार्यक्रम अब होगा न्याय में मैं रविकांत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। आज जब राहुल गांधी बंगाल में प्रवेश कर चुके हैं और उस बंगाल में जो इस वक्त उठापटक मची हुई है, ममता बनर्जी की टीएमसी और कांग्रेस के बीच जो तकरार चल रही है उसकी भी पड़ताल करूंगा और ये भी बात करूंगा कि उत्तर पूर्व में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने क्या प्रभाव डाला है। राहुल गांधी ने मणिपुर से अपनी यात्रा शुरू की, महाराष्ट्र के मुंबई तक जाने वाली इस यात्रा का मकसद न्याय दिलाना है, जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस। राहुल गांधी लगातार कास्ट सेंसस के जरिए जाति जनगणना के सवाल को उठा करके वो ओबीसी को न्याय दिलाने की बात करते रहे, लेकिन मणिपुर वो जगह है जो पिछले 8 महीने से जल रहा है। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में जो जाति हिंसा हुई है उसका कोई खैर खबर लेने वाला दिल्ली में नहीं है। राहुल गांधी ने इसका आरोप लगाया, प्रधानमंत्री आज तक वहां नहीं पहुंचे, कोई उनको परवाह नहीं है, लेकिन इस समय वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज तो बुलंदशहर में ही थे, उत्तर प्रदेश में थे। मंदिर के उद्घाटन के पहले 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे थे, दक्षिण भारत के तमाम मंदिरों में जा रहे थे, लेकिन उनके लिए ये देश मंदिर नहीं है, उनके लिए इस देश के लोग भारत माता नहीं है और इसीलिए उन्हें मणिपुर के लोगों की फिक्र नहीं। सवाल सिर्फ मणिपुर का नहीं है, सवाल उस पूरे उत्तर पूर्व का है जिसे पिछले 10 साल में बेगाना बना करके छोड़ दिया गया है। उस उत्तर पूर्व में जहां 7 नहीं बल्कि अब तो 8 राज्य आते हैं, एक दौर था जहां जब कहा जाता था खूबसूरत 7 सिस्टर्स, 7 राज्य, बेहद छोटे छोटे राज्य लेकिन उतने ही संप्रभु, उतने ही खूबसूरत और उतने ही भारत के प्रति हमदर्द और अपने देश के प्रति उतने ही राष्ट्रभक्त। लेकिन इन 10 सालों में एक हेमंत बिस्वा शर्मा के माध्यम से, यानी असम के मुख्यमंत्री के माध्यम से पूरे नॉर्थ ईस्ट को संचालित किया जा रहा है, जब पूरा वो नॉर्थ ईस्ट भारत की राजनीतिक विमर्श से ही बाहर था, ऐसे समय पर राहुल गांधी का नॉर्थ ईस्ट से यात्रा शुरू करना, ये उस पूरे उत्तर पूर्व को एक राजनीतिक महत्ता और उसकी संप्रभुता, उसकी संस्कृति के प्रति उसकी अपनी रक्षा, इस सबको दर्ज कराता है। वहां पर जो अल्पसंख्यक तबका है उसके प्रति संविधान में जो प्रतिबद्धता है उसको भी स्थापित करता है। इस मायने में ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है।
आज राहुल गांधी जब उत्तर पूर्व से निकल करके बंगाल पहुंचे हैं तो बंगाल के भी वो सवाल आएंगे। हालांकि बंगाल में मुख्य प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी की या बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी जो सरकार में है वो तृणमूल कांग्रेस है, वो ममता बनर्जी हैं जो कभी कांग्रेस में हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने जो बंगाल के लिए संघर्ष किया और उसके बाद सीपीआईएम की सरकार को हटा करके वो सत्ता में पहुंची, लेकिन इसी दरमियान वहां पर भगवा की राजनीति शुरू होती है। वो बंगाल जो अपनी अस्मिता के लिए, जो अपनी संस्कृति के लिए जाना पहचाना जाता है, जिसकी अपनी एक स्वायत्तता है, एक निजीपन है, उस बंगाल पर भी एक तरह का प्रभुत्व जमाने के लिए, राजनीतिक नहीं बल्कि वैचारिक प्रभुत्व जमाने के लिए वहां पर वो भगवा राजनीति शुरू होती है। हालांकि कुछ फायदा बीजेपी को मिलता है। पिछले लोकसभा चुनाव में मुख्य दो ही पार्टियां वहां पर आमने सामने थी, तृणमूल कांग्रेस और उसके सामने बीजेपी, कुल 42 सीटें हैं और ये 42 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप देश की बात करें तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा सीटें बंगाल से आती हैं। 23 सीटें अभी तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी के पास है और वो देश में चौथी बड़ी पार्टी एक तरह से है। ममता बनर्जी इंडिया अलायंस के साथ शुरू से ही रही, पटना की बैठक से लेकर के और दिल्ली की बैठक तक, लेकिन उन्होंने पिछले दो दिन में जिस तरह की बयानबाजी की है वो इस इंडिया अलायंस के में पड़ने वाली दरार की तरफ भी इशारा करता है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाया कि वो अपनी मनमानी कर रही है, उसको जो दो प्रस्ताव दिए गए वो दो प्रस्ताव भी कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार नहीं किए। पहला प्रस्ताव ममता बनर्जी की तरफ से गया, टीएमसी की तरफ से गया कि कांग्रेस पार्टी 300 सीटों पर चुनाव लड़े, बाकी सीटों पर अन्य विपक्षी दल चुनाव लड़ेंगे, लेकिन टीएमसी का आरोप है कि उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। उसी तरह से सीट शेयरिंग को लेकर के जो फॉर्मूला तय हुआ था कि जो विभिन्न स्टेट्स हैं वहां पर जो बड़ी पार्टी होगी वो तय करेगी संख्या, तो टीएमसी का ये कहना है कि उसने दो सीटें कांग्रेस पार्टी को देने के लिए कहा लेकिन कांग्रेस ने उसे भी अस्वीकार कर दिया या उसका जवाब नहीं दिया। इसीलिए ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया कि बंगाल में इंडिया अलायंस नहीं है और यहां पर तृणमूल कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। अब इसके क्या मायने हैं? क्या इंडिया अलायंस में दरार पड़ गई है? क्या जिस तरह से नीतीश कुमार अलग भाषा में बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया, तो ऐसे में क्या इंडिया अलायंस बिखरते हुए दिख रहा है या अभी कोई और उम्मीद बाकी है? दरअसल इंडिया अलायंस के जो दल हैं वो कहीं ना कहीं आपस में भी चुनाव लड़ते हैं, प्रतिद्वंदता उनकी है। मसलन बंगाल में ममता बनर्जी के सामने बीजेपी ही नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी है, सीपीआईएम भी है। और पिछला जो उपचुनाव हुआ था मार्च 2023 में सागर दिघी सीट का, और इस सीट को टीएमसी से कांग्रेस पार्टी ने छीन लिया था, तभी से ममता बनर्जी थोड़ा सा चिंतित नजर आती है। और उसकी मूल वजह है कि बंगाल का जो अल्पसंख्यक तबका है, एक तिहाई की आबादी का, 30% से ज्यादा बंगाल में अल्पसंख्यक तबका है और उसका झुकाव पिछले चुनाव में, उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ दिखा था। ये खतरा या ये चिंता ममता बनर्जी को है, इसलिए वो कांग्रेस से एक निश्चित दूरी बनाए रखना चाहती हैं। बंगाल में जो दो सीटें देने का उन्होंने प्रस्ताव दिया, बहुत सारे पत्रकार और बंगाल के जानकार ये कहते हैं कि 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत है, इसमें मालदा और मुर्शिदाबाद आता है, तो इन सीटों पर तो कम से कम कांग्रेस पार्टी को
लड़ने का मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन ममता बनर्जी ने केवल 2 सीटों का ऑफर दे करके और फिर ये ऐलान कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बंगाल में टीएमसी ही मुख्य पार्टी है। पिछले विधानसभा चुनाव में जो 2021 में हुआ था उसने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाई थी, बुरी तरीके से पराजित किया था, और उसके बावजूद जब बहुत भयानक कैंपेन किया था नरेंद्र मोदी ने, 2 मई दीदी गई इस तरह के नारे लगाए गए थे, वो जो शक्ति पूजा करने वाला बंगाल है वहां पर जय श्री राम के नारे लगाए गए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर की और उन तमाम मूर्तियों को भी कहीं ना कहीं तोड़ने फोड़ने की शिकायत आई थी कि ये बीजेपी के जरिए हो रहा है, तो उस बंगाली अस्मिता को कहीं ना कहीं डाइल्यूट करके वो जो पूरे हिंदुत्व की राजनीति है उसको भी बंगाल में नरेंद्र मोदी लेकर के जाना चाहते हैं। लेकिन जो बंगाल की डेमोग्राफी और बंगाल की जो आइडियोलॉजी है उस पर भारतीय जनता पार्टी को अभी चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन जो नरेंद्र मोदी की अपनी खूबी है और अमित शाह की कि वो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, ये प्रयोग उन्होंने बंगाल में भी किया, और बंगाल की खास करके जो दलित समुदाय है, जो आदिवासी समुदाय है, उनको आउटरीच करने के लिए प्रधानमंत्री ने तो बांग्लादेश तक जाकर के पूजा अर्चना की उस समुदाय के लिए। ममता बनर्जी का जो मुख्य सपोर्टर है वो वहां का भद्रलोक और अल्पसंख्यक तबका है, तो अल्पसंख्यक तबके में अगर कांग्रेस पार्टी की सेंध लगती है तो ममता बनर्जी के लिए मुश्किल हो जाएगी, और इसीलिए माना जा रहा था कि अगर कांग्रेस, सीपीआईएम और तृणमूल कांग्रेस तीनों मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी को बंगाल से अपनी पहले की सीटों को भी प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। जब 2019 का चुनाव हुआ था बीजेपी ने बड़ी सफलता अर्जित की थी, 18 सीटें जीती थी, हालांकि अभी 17 सीटें उनके पास है, 23 सीटें तृणमूल कांग्रेस के पास है और 2 पर कांग्रेस विजयी हुई थी। इस समय तृणमूल कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता वापसी कर चुके हैं, बाबुल सुप्रियो जैसे जो केंद्रीय मंत्री रहे उन्होंने बीजेपी से रिजाइन कर दिया, अब कोई बड़ा नेता बीजेपी के पास नहीं है। ऐसे में यह माना जा रहा था कि बंगाल से बीजेपी के पांव उखाड़ने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, और अगर ये इंडिया अलायंस बंगाल में बनता है तो फिर बहुत आसानी से बीजेपी को हराने में वो कामयाब हो सकते हैं। ममता बनर्जी के इस बयान के पीछे क्या कारण है इसको लेकर के भी राजनीतिक हलके में कई तरह की चर्चा है। एक चर्चा ये भी है कि बंगाल में दबाव काम कर रहा है, अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं उन पर जिस तरह से ईडी का शिकंजा कसा गया है, और बंगाल के कई हिस्सों में जो ईडी की छापेमारी हुई है और उसका पलटवार भी हुआ है, वो दिखाता है कि ममता बनर्जी को चारों तरफ से घेरने की कोशिश भी हो रही है। क्या अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के बचाव में, बहू के बचाव में ममता बनर्जी कोई समझौता कर रही है पीठ पीछे, कोई वहां पर खेल चल रहा है अमित शाह का? ये सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं, इसके बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, इसलिए इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुख्य रूप से जो सामने दिख रहा है, जो डेमोग्राफी है, वो है ममता बनर्जी का अल्पसंख्यक वोट को खिसकने का डर, और इसीलिए वो खास तौर पर सीपीआईएम के साथ नहीं जाना चाहती हैं। पिछला जो उपचुनाव जीता था कांग्रेस ने, उस समय भी ममता बनर्जी ने कांग्रेस और सीपीआईएम के अपवित्र, उनके ही शब्दों में मैं कह रहा हूं, अपवित्र गठबंधन को उसके लिए उत्तरदायी माना था। लेकिन उनकी चिंता ये जरूर है कि अल्पसंख्यक वोट बैंक उनकी तरफ से खिसक सकता है, और इसीलिए वो अकेले चुनाव लड़ने के मूड में है। लेकिन इसका असर निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस पर हो सकता है। राहुल गांधी जो आज प्रवेश किए हैं बंगाल में, बंगाल के उस इलाके से जो सीमावर्ती इलाका है, जो खास करके अल्पसंख्यक जहां पर आबादी ज्यादा है वहां से वो निकल रहे हैं, जहां पर सांप्रदायिक जो विभाजन है वो ज्यादा है, और बीजेपी वहां ज्यादा सांप्रदायिक कार्ड खेलने में कामयाब रहा है, इन हिस्सों में
राहुल गांधी की ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो मजबूती देगी इंडिया एलायंस को, कांग्रेस पार्टी को भी खड़ा करने में राहुल गांधी की बड़ी भूमिका हो सकती है, और शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी ने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। टीएमसी का ये आरोप है कि जब ये रूट तय किया गया तब कोई विचार विमर्श नहीं किया गया है ममता बनर्जी से, इसलिए वो राहुल गांधी की इस यात्रा में कहीं भी शामिल नहीं हो रही और अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल ये आता है कि अगर ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ती हैं तो फिर इंडिया एलायंस का मतलब क्या होगा। कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के बिना इंडिया एलायंस की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है, वो पूरी सूरत नहीं हो सकती है। ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर है, लेकिन ये भी निश्चित है कि अगर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी सीपीआईएम अगर एकजुट होकर के चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देने में कामयाब हो सकते हैं और बड़े आसानी से केंद्र में सत्ता में पहुंचने से बीजेपी को रोका जा सकता है, क्योंकि दक्षिण भारत के दरवाजे बीजेपी के लिए लगभग बंद हो चुके हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी उसके लिए बहुत प्रयासरत हैं। पिछले 11 दिन जो उन्होंने अनुष्ठान किए उसमें दक्षिण भारत के हर राज्य के तमाम मंदिरों में वो गए, वहां पर राम के जो राम कथा से जुड़े हुए तमाम स्थल हैं वहां पर वो गए, कोशिश की उन्होंने उस राम पर आधारित हिंदुत्व की राजनीति को प्रसार करने की, प्रचार करने की, लेकिन आंध्रा में उनके पास 1% से नीचे वोट है। कर्नाटक में हो सकता है कि उन्हें पहले की तरह सफलता ना भी मिले तो भी उनकी स्थिति बेहतर हो सकती है। कर्नाटक की 28 में से 26 सीटों पर 25 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीती थी। आज आज ही जगदीश शेट्टार की वापसी हुई है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं वहां के, मजबूत लिंगायत समुदाय से आते हैं जो पिछले चुनाव में बीजेपी से निकल करके कांग्रेस पार्टी में चले गए थे, वो आज वापस अपनी पार्टी में आ गए हैं, बीजेपी में आ गए हैं, तो कर्नाटक में भी दुरुस्त करने की कोशिश अपने आप को बीजेपी कर रही है। लेकिन उसे तमिलनाडु में कितनी सफलता मिलेगी, केरल में कितनी मिलेगी, आंध्र प्रदेश में कितनी मिलेगी, ये समझा जा सकता है। उसकी उम्मीदें केवल कर्नाटक और तेलंगाना में है, लेकिन इन दोनों ही राज्यों में वो अधिकतम है, इससे बेहतर वो प्रदर्शन नहीं कर सकती, बल्कि उससे घटना ही है। अब जब दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर बीजेपी को शिकस्त मिलनी है, मतलब पिछला प्रदर्शन वो नहीं दोहरा पाएंगे। और अगर बंगाल में भी ये इंडिया एलायंस मजबूत होता और जो पिछली 18 यानी अब की अगर 17 सीटों से नीचे रोक दिया जाता, और ऑब्वियस है कि अगर ये तीनों पार्टियां एक साथ एकजुट होकर के चुनाव मैदान में आ जाए तो बीजेपी को दहाई से नीचे रोका जा सकता है। ऐसे में केवल उत्तर भारत के बलबूते या पश्चिमी भारत के बलबूते नरेंद्र मोदी कभी सत्ता में नहीं पहुंच सकते, और इसीलिए इस एलायंस को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वो जो जस्टिस के सवाल हैं, न्याय के सवाल हैं, और खुद उत्तर पूर्वी जो हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, उसकी अपनी स्वायत्तता, वहां पे जो आदिवासी समुदाय है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, ईसाई है, मुस्लिम है, उनके स्वायत्तता का सवाल, उनके संवैधानिक अधिकारों का जो सवाल, और जिस तरह से राहुल गांधी ने उसको तवज्जो दी है, इसका मूल्यांकन आने वाले वर्षों में होगा। ठीक वैसे ही जैसे इस हिंदुत्व की पूरी उत्तर भारतीय राजनीति के सामने जब दक्षिण भारत के तमाम अधिकारों को कमजोर किया जाता है, जब इस देश में जिस तरह का भारत का स्वरूप है कि सभी राज्यों को उतने ही अधिकार हैं, लेकिन जिस तरह से संघवाद कमजोर किया जा रहा है, वो भी एक पहलू रहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पहली यात्रा के जरिए दक्षिण को उन्होंने उभारा, दक्षिण के उस पूरे डिस्कोर्स को सामने रखा, वहां की संस्कृति को, वहां के राजनीतिक चेतना को, वहां के राजनीतिक डिस्कोर्स को, उसी तरह से इसी यात्रा में उत्तर पूर्व की दुश्चिंताओं को, वहां की समस्याओं को और वहां के कल्चरल एस्पेक्ट को राहुल गांधी सामने ला रहे हैं। ये इसका ऐतिहासिक महत्व होगा
लेकिन उत्तर पूर्व की 25 सीटें जिसमें से अभी अधिकांश सीटें बीजेपी के पास थी, वो भी इस राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए फंसेंगी। ऑब्वियस है कि इसीलिए असम में हेमंत बिस्वा सरमा के जरिए राहुल गांधी की न्याय यात्रा को बाधित करने की कोशिश की गई, पथराव किया गया, पोस्टर फाड़े गए, FIR की गई। और ये तिलमिलाहट बताती है कि उत्तर पूर्व की 25 सीटों पर राहुल गांधी बड़ा प्रभाव डालने जा रहे हैं। और बंगाल में भी सीमावर्ती इलाके में जहां पर सीधा टकराव बीजेपी के साथ होना है, वहां हो सकता है कि अलग से भी चुनाव लड़के कांग्रेस पार्टी बीजेपी को शिकस्त देने में कामयाब हो। लेकिन ये भी कहना जरूरी है कि अगर ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी CPIM साथ आ जाते तो बीजेपी को दहाई अंक से भी नीचे रोका जा सकता था। बहुत शुक्रिया, आप देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।